अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं हूँ अशरा खालिद और आप देख रहे हैं लाइव रिकॉल विद एकी यूट्यूब चैनल। और देखिए आज यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे है और आप चेक करें पार्किंग में बस गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। अब हमने सोचा कि हम आपको दिखा देते हैं कि अमेरिका का ब्लैक फ्राइडे कैसा होता है और लोगों ने लूट मचा ली है और लोगों ने बैग्स भरे हुए हैं। ओह माय गॉड, लाइक पाकिस्तान तो आई मीन देख के आ जाते हैं, यहाँ हर एक के पास बैग जरूर होता है। लाइक यहाँ पे अदन ने आज मुझे बहुत एक्सपेंसिव चीजें लेके देनी है, सो लेट्स सी के क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। अब्बा जी ने इसको कुछ लेके नहीं दिया क्या? कोलमैन का उसने कुछ लिया। सो मौसम भी देखिए बहुत सुहाना है और काफी सर्दी है आज, और ठंडने वाला वो देसी भी आ रही है एक। सो अब कभी भी मैंने ऐसी पार्किंग नहीं देखी कोविड से पहले देखी थी बट आफ्टर कोविड नहीं देखी, और आज तो बहुत ज्यादा। यहाँ पर सुबह 6 बजे का ये ओपन है और हमने पहले सोचा था कि हम 6 बजे आएंगे, 6 बजे आएंगे है ना, पहले हमने सोचा था, लेकिन ऑनलाइन तो 6 बजे आ रहा था। नहीं देखा है तो नाने, ये नहीं है कोई पार्किंग या आंटी अंकल जा रहे हैं पीछे रो इसके। ये अंकल जा रहा है, ये देखो ला इसकी तो छोटी गाड़ी है, वो लड़कियां जा रही, लड़कियां जा रही, लड़कियां। सो अभी बड़ी गाड़ी हम आपको अंदर जाके दिखाएंगे। ये पार्किंग के हालात तो आपने देख लिए हैं, इसको कोने वाली है, सुनाना अभी से गई है। सो फाइनली हमें पार्किंग मिल चुकी है और वी फाइंड अ स्पॉट फॉर पार्किंग। सो वो है मेसी जहाँ पे हमने जाना है। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। और सामने हम मेसी जाने लगे। People are running towards mall. आज तो कार नहीं चढ़ाई जा रही थी। ये मेरा मोटा भाई है। लोगों ने देखा अमेरिका में गन मचाया होगा। लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ही रश है, देखते हैं कि कितना रश है यहाँ पे। सो अभी हम जरा एक्सपेंसिव की तरफ जा रहे हैं। You can see that. So we finally we found Mr. Tommy. और ये 50% ऑफ लगा हुआ है और हमें जिपर वाला लेना है पाकिस्तान जाने के लिए। So I think we can't find it, right? Na? Yeah, हमें और में खोजना होगा, because वो तो extra small है। So अदन तो अपनी ड्यूटी पे लगी हुई है। रियल अमेरिका देखिए कितना रश है, फर्स्ट टाइम मैंने इतना रश देखा है अपनी लाइफ में। सो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जेल्स में, वैसे ही हम लोग विंडो शॉपिंग करने जा रहे हैं, कुछ खास नहीं लेना, बट वी वॉन्ट टू सी के हाउ मच दे आर ऑफरिंग ऑन रिंग्स, डायमंड ज्वेलरी। सो लेट्स गो। बहुत रश है। देखें आप लोग कितना रश है। ओह माय गॉड, अदन कभी इतना सीढ़ियां देखी हैं आपने? ओह माय गॉड, इतना मैंने कभी सीढ़ियां नहीं देखी। ये तो पाकिस्तान में मैंने ऐसे देखती थी। तो अब हम लोग जाने लगे हैं ज़िल्स में, यहाँ पर कोई रश नहीं है। ये
याद है पहले हम उनसे बात करते हैं ना कि हमें डायमंड्स देखने हैं। सो हम लोग जिल्स में आ गए। दीज आर ऑप्शंस। हम लोग एक उसके अंदर थे लाइक एक शॉप में और आई वाज आउटसाइड। मैं बाहर आई थी क्योंकि अंदर सिग्नल नहीं आ रहे थे और अदन सब नान और मामा जो थे वो अंदर से शॉप के और एकदम से ना मुझे आवाज आई कि फायरिंग हुई और लोग जो थे ना वो भागने लगे। ओह माय गॉड। तो हम मुझे आई वाज लाइक कि मैं क्या करूं। मैंने भी एकदम अपना कमरा था अंदर चली जाती पागल एकदम अदन आई एकदम कहती भागो सरा भागो। मैं तो इरा को बस मैं बाथरूम में छोड़ा था। मैंने इरा को नीचे किया हुआ था और मैं भागी और आई वाज लाइक कि मामा की तरह अभी मामा नजर आई मैं उधर तो फुल भागे। हां हम फुल और हम फुल भागे और हमें अपनी मैं तो बाहर ही थी। मैं आई वाज लाइक फायरिंग की आवाज आई तुम लोग अंदर हो मैं क्या करूं। और लोग अंदर मैंने दरवाजा खुला लोग गिरे हुए थे दो गिरे हुए थे। मैं एक औरत मेरे सामने गिरी सामने हुई है जहाँ आप लोग खड़े हुए थे वहाँ सामने। जब मैं इरा को लेकर जाने लगी मेरे आगे गिरी मैं तो देखा भी नहीं। मैंने करवट ली और मैं चली गई। और वो एक और मुझे था रन रन तो मैंने तो तुम लोग खड़ी थी कि मैं क्या करूं और भागूं कि ना भागूं। इट वॉज सो फिर हमें अपनी गाड़ी नहीं मिल रही थी। अब फाइनली हमें अपनी गाड़ी मिल गई है। अब वो देखिए आपको नजर आ रही होगी कि नहीं बट लोग भाग रहे थे और सब कुछ ऑडी मिली थी। क्या मत दरवाजे पे पता नहीं कौन से थे और हम क्या हैं क्योंकि मैंने कहा था कि हम बैक स्टेज पे गए इसलिए मैंने कहा कि सुनान कोई दूसरा दरवाजा है। वो क्या कर रहे फोन। अच्छा वो अपने लोग घर वालों को वो अपने घर वालों देखो सब लोग अपने घर वालों को ढूंढ रहे हैं। शुक्र है हम साथ थे अल्लाह का शुक्र है। ये बहुत बड़ी बात है। शुक्र है देखो हमें उसने बचाया जो सिग्नल नहीं आ रहे थे वरना हमने तो मैं तुम्हें कही थी वहाँ चलते हैं तुम कही थी नहीं आता सवाल नहीं देखो। मैं तो यहाँ को लेके बैठ गई थी उसकी औरत के पास हम बातें। सो एक वन आवर हो गया है उससे भी ज्यादा आई थिंक और हम अभी तक स्टक हैं पार्किंग लॉट में और कोई पुलिस नहीं आई हमें बताने के सब्र रखें बताने के सब्र रखें या कुछ मतलब सेम लाइक पाकिस्तान सब ऐसी गाड़ियां निकाल के इधर उधर खड़े हो गए हैं। ओके जी बस इतना ही मैंने बताना था। हमारे लिए दुआ कीजिएगा। ओके बाय अल्लाह हाफिज़। अपडेट है कि अब हमारे रास्ता मिल रहा है उन्होंने खोल दिया जाने के लिए और हम वास्ते से जाने लगे हैं और आई डोंट नो कि अंदर क्या हो रहा है। मोमेंट एंड पुलिस आंखों में बजरी है। मम्मी अब हमें निकाल दो यहाँ से। इलाका सोई भी है। लाइट सी लाइट्स हो गई है। अब आप लोगों को हम बता नहीं सकते कि वो कितना स्केरी मोमेंट था हमारे लिए। हमें लग रहा है क्यामत आ गई है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री।